हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानी। दोस्तों, वाइट आउट स्पॉट्स बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये सुनने को मिलेगा। किसी व्यक्ति को कोई ना कोई डॉक्टर बोल सकता है कि आपको वाइट आउट स्पॉट्स प्रॉब्लम है। बहुत ही आसान भाषा में आप इस वीडियो में समझ जाएंगे, सो देखते रहिए। दोस्तों, यहाँ पे आँखों में बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, ठीक है ना। तो एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं क्या, वाइट आउट स्पॉट। अब ये जो स्पॉट है, नाम से क्लियर है, धब्बा, ठीक है ना। आँख के अंदर एक धब्बा टाइप का बन जाता है, ठीक है ना। कुछ धब्बे टाइप के बन जाते हैं जो कि फोमी हो सकते हैं, फोमी लेसेंस। फोमी मतलब कैसा लगेगा, झाग जैसा है, और गोलाकार का हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, त्रिभुज आकार का, कैसा भी इरेगुलर आकार हो सकता है उसका। आँख के अंदर टेम्पोरल साइड्स, टेम्पोरल मतलब कि आपके जो कान के पास के हिस्से तरफ, इस तरफ, इस तरफ धब्बे टाइप के बन जाते हैं। आदमी डॉक्टर के पास जाता है, फिर डॉक्टर कई सारे पैसे ले लेता है, और कई लोग इसको ध्यान भी नहीं देते हैं। कई लोग सोचकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि आँख के अंदर ये क्या हो रहा है। एक्चुअल में ये होता है वाइट आउट स्पॉट। ये इसलिए होता है कि भाई आपके शरीर में विटामिन ए बहुत ज़रूरी है, और विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जिस व्यक्ति के शरीर में विटामिन ए की कमी होती है, उस व्यक्ति को ये वाइट आउट स्पॉट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ विटामिन ए, उस वजह से ये स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं आती, बट आपको इरिटेशन सा हो सकता है, इरिटेशन टाइप का, आँखों में अच्छा नहीं लगता देखने में, थोड़ा सा हेजिटेशन होती है आदमी को किसी के सामने जाने में भी। और अगर बात की जाए कारण की, तो एक्चुअल में होता क्या है आँख के अंदर कि देखो, कैरेटिन जो होता है, कैरेटिन जमा हो जाता है वहाँ पर, कैरेटिन का जमाव आँख के ऊपर जमा हो जाता है। इससे क्या होता है, कॉर्निया सूखने लगता है, कॉर्निया सूखने लगता है, तो फिर बाद में और समस्याएं डेवलप हो सकती हैं। हालांकि सुनने में तो ऐसा लगता है छोटी मोटी समस्या, लेकिन कई सारी बीमारियों के लिए इनविटेशन हो सकता है अगर आप उसको आपको ठीक नहीं करते, ठीक है ना। कॉर्निया सूख जाएगा, इन्फेक्शन होगा, कंजक्टाइवा में सूजन आ सकती है, आँख लाल होने लगेंगी, तो इस तरह से बढ़ सकती समस्या। इलाज बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा खास करना नहीं है। नॉर्मली आपको विटामिन ए की कमी हुई है, तो विटामिन ए लेना है आपको, इस टाइम पे ज़्यादा चाहिए, और आप टैबलेट के भरोसे नहीं रह सकते, तो विटामिन ए का इंजेक्शन्स लगते हैं लोगों को, ठीक है ना। इंजेक्शन आता है दोस्तों एक्वासॉल, एक्वासॉल ए, जो कि विटामिन ए का इंजेक्शन होता है, जिसे आप इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो एक हफ्ते में एक बार दो तीन इंजेक्शन लगा सकते हैं, या तीन दिन में एक बार लगा सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, ये यहाँ पे विटामिन ए की कमी पूरी हो जाएगी, तो ये समस्या भी दूर हो जाएगी। साथ ही आँख में डालने के लिए दवाई की बात किया, तो ऑप्ट्रेक्स आई ड्रॉप आता है। ऑप्ट्रेक्स आई ड्रॉप एक प्रकार का लोशन है, ये लोशन, ठीक है ना। ये आँख को बोलना चाहिए कि स्मूथ सूदिंग देता है, एक प्रकार से उसको मेंटेन करता है, उसके अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं होती, तो उसको सुरक्षित रखने में हेल्प करता है। तो ये होता है क्या, वाइट आउट स्पॉट। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये समस्या हो रही है, डॉक्टर को जल्द से जल्द दिखाएं, अदरवाइज दूसरी समस्याएं डेवलप हो सकती हैं, ठीक है। तो आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ शिवम, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।